आप कोई कोई बात ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं चले नमस्कार मित्रों, सभी को जय श्री राम। कल की पुलिस की हरकत आप सबने देखी है। क्या हमारे भारत देश में अगर कहीं पर गलत होता है तो क्या उस इशू के ऊपर हम आवाज नहीं उठा सकते? क्या उसका प्रोटेस्ट हम नहीं कर सकते? क्या उस विषय पर हम बात नहीं कर सकते? अंबरपेट क्षेत्र में जहां पर एक नई मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, वो वैसी जगह है जहां पर रोड वेंडिंग में जिस व्यक्ति का मकान तोड़ा गया, उस व्यक्ति को 2,50,00,000 रुपए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से दे दिया गया। देने के बाद में ही वो मकान तोड़ा गया, यानी जिस व्यक्ति का मकान था मकबूल, वो व्यक्ति का नाम था और उसके दो भाई थे। उन दोनों भाइयों को 2,50,00,000 रुपए देने के बाद में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो जगह पर अपना कब्जा किया, रोड वेंडिंग के लिए घर तोड़ दिया। घर तोड़ने के बाद में स्थानीय लोगों का यह दावा है कि यह वक्फ बोर्ड लैंड है और यहां पर पुरानी मस्जिद थी। एक तो वो जगह छोटी, फिर वहां पे मस्जिद कहां से आई? दूसरी बात, इतने सालों से एक परिवार वहां पर रह रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, संसार कर रहा है, तो आपको वो मस्जिद थी बोल के पहले क्यों याद नहीं आया? जब सरकार ने वो जगह ले ली 2,50,00,000 रुपए देकर, उसके बाद में तोड़ने के बाद में तुम्हें क्यों याद आया, यह मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, वहां पर मस्जिद नहीं थी और MIM के MLA, MIM के गुंडे सभी लोग मिलकर
एक नया ड्रामा वहां पर स्टार्ट करें और अंबरपेट में नई मस्जिद बनाने का ये लोग एक योजना बनाए। मैं पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहूंगा कि वहां पर कुछ नहीं था, कोई भी नई चीज बननी नहीं चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हम पुलिस के साथ है, लेकिन वहां पर अगर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन होगा तो हमें डहाना भी आता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं पुलिस प्रशासन से, सरकार से, को कोई एक नया इश्यू ना पैदा करे, एक नई अयोध्या को जन्म ना दे। ये मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहूंगा, हम आपके साथ है, किसी प्रकार का कोई नया काम नहीं होना है। ये मैं